तो जो नया टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन कॉन्सेप्ट इकट्ठे चलते हैं। बहुत माइनर डिफरेंस है इनमें। ग्रेविटेशन के अंदर भी किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैट खत्म। तो आधा काम खत्म है इलेक्ट्रोस्टैट का, आधा अब स्टार्ट है। अब क्या है ये पोटेंशियल? सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजरेबल है, जो ये बताती है फ्लो ऑफ चार्ज कहां से कहां है। आप कहोगे ये तो मैं वैसे बता सकता हूं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मैंने कहा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। तो कहता देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सारी कहानियां पढ़ के आए हो, ये सब आंसर वेक्टर के थ्रू दे रहे हो। अब हम सारा काम वेक्टर छोड़ के स्केलर में करेंगे। फिजिक्स में दो ही चीजें हैं, फोर्स एनर्जी। अब हमने किया फोर्स वाला काम, अब हम करेंगे एनर्जीज वाला काम। ठीक है, हो गया इलेक्ट्रोस्टैट, ऐसे ही है। तो पोटेंशियल भी हमें बताता है चार्ज कहां से कहां जाएगा। जैसे एक पॉइंट है हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट पे, एक है लोअर पोटेंशियल 2 वोल्ट पे, तुम तार जोड़ दो तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो वेक्टर है ही नहीं, मैं तो पॉइंट का पोटेंशियल, पॉइंट का पोटेंशियल बोल रहा हूं। तो सेम काम, चार्ज की मूवमेंट, चार्ज फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, इसका आंसर वेक्टर्स की बजाय अगर स्केलर में देना है तो पोटेंशियल हेल्प करेगा। तो सेम काम करेंगे लेकिन स्केलर में करेंगे। तो यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और दूसरा पोटेंशियल। आधा इलेक्ट्रोस्टैट्स हमने कर लिया ई से डिफाइन करके, अब उन्हीं जगहों पर क्या ढूंढेंगे, वी। समझ में आ रहा है? अब चैप्टर पता है कैसे चलेगा? वी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वी ड्यू टू रिंग, ड्यू टू डिस्क, ड्यू टू आर्क, ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू शेल, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, खत्म। पर ये जल्दी होता है क्योंकि ये वेक्टर नहीं है। जो काम अभी हमने एक महीने में किया वो काम एक हफ्ते में होगा क्योंकि वेक्टर नहीं है ना, फ्लक्स भी नहीं चाहिए, एक मिनट में सॉल्व करके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ये आगे कंटिन्यू करने से पहले, इसमें है नहीं कुछ करने वाला, मैं आपको पूरा चैप्टर सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ जो मैं बताने जा रहा हूँ। बस इस चैप्टर में घूम फिर के यही बातें हैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर ये आपने पकड़ ली तो समझो हो गया क्लियर आपका ये चैप्टर। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट बुक्स में ऐसे की बने, सबसे पहले समझाया जाता है पोटेंशियल, फिर उसके न्यूमेरिकल, फिर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसके न्यूमेरिकल, फिर आएगी पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो टॉपिक चलेगा। मैं तीनों इकट्ठे खत्म कर दूंगा 5 मिनट में। देखो कैसे, पहला कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। तीन चीजें इकट्ठी चलती हैं। तो मैं अगर इसको डिफाइन करूं कि चलो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो आपके पास एक Q1 चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इसके बाहर तो फोर्स लगा ही सकता है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई कहता है कि इन्फिनिटी पे जाओ, देखो आप कहोगे यार ये फिजिक्स वालों की समस्या बहुत है, इन्फिनिटी पे जाओ, इन्फिनिटी से उठा के एक चार्ज को लेके आओ और उस चार्ज को यहां प्लेस करो इसके सामने एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कई लोगों को ना ये नहीं समझ आता ये इन्फिनिटी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों साइंटिस्ट इन्फिनिटी को लेके बैठ जाता है। देखो इन्फिनिटी का मतलब समझते हो यहाँ पे क्या है, कि अगर इस चार्ज का ये रीजन है जहां पर ये अपने पड़ोस के चार्ज पे फोर्स लगा सकता है और ये वो पॉइंट है जहां पर नहीं लगा सकता, तो इस चार्ज के लिए जैसी बाउंड्री क्रॉस करता है तुम चाहे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इस चार्ज को फर्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए तुम गए तो कहां पर चले गए पता नहीं कहां गए, इन्फिनिटी, इसे बोलते हैं इन्फिनिटी। तो मतलब तुम इस क्लास से निकल के नीचे चले गए तो मेरे लिए तुम कहां गए, अब घर जाओ, दिल्ली जाओ, पंचकुला जाओ, घूमने जाओ, इन्फिनिटी पे गए, मेरे लिए तो गए। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? जब तक बंधे बैठे हो क्लास में तब तक मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठे हुए हो, ठीक हो गया यहां तक? तो अब इमेजिन करो कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। इमेजिन करो मैं वो चार्ज हूं Q1
जिसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे रूम में अकेला मैं ही बैठा हूँ, तुम में से कोई नहीं है। अब किसी ने कहा कि सर आप, और आप पॉजिटिव चार्ज हो तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने घर बैठा है। देखो मेरे रूम में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे रूम तक है, और मैंने किसी ने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है आपके रूम के बाहर घूम रहा है या अपने घर बैठा है, आप इसको पकड़ के कहाँ पे लेके आओ, रूम में बैठाओ। अब प्रॉब्लम है ये मेरे सामने आ नहीं रहा, क्योंकि मैं क्या हूँ, पॉजिटिव। ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये कहता है जी आना तो चाहता हूँ, मैं जैसी क्लास में एंटर करता हूँ कि ये चार्ज पॉजिटिव मेरे को भगा देता है, तो मैं कैसे एंटर करूँगा, मैं एंटर भी नहीं कर पाता। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसको क्लास में लाने के लिए, आप लोगों को उठा के वर्क डन, आपको काम करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो मेरी अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क डन होगा, आप जबरदस्ती लेके आएंगे अगेंस्ट रिपल्शन, आपको क्या करना पड़ा, वर्क डन। तो इन्फिनिटी से उठा के आठ डिस्टेंस में बिठा दिया आपने, इस अमाउंट ऑफ वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डन, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक हो गया, आप अपना वर्क डन इस पे लगाना बंद कर दो, ये फिर भाग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, एनर्जी, इसको बार भगा देगी। सेम कॉन्सेप्ट फोर्स से भी समझाया जा सकता है कि मैंने इस पे फोर्स लगाई, लेकिन फोर्स से नहीं, अब मैं किसे समझाऊंगा, एनर्जी, इसमें हम दोनों में क्या स्टोर हो गई, एनर्जी, वो एनर्जी से भाग जाएगा। सही है। अब सपोज करो सेम क्वेश्चन है, फिर से एक चार्ज है Q1, फिर इन्फिनिटी पे, पर प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में इसके चार्ज की वैल्यू क्या थी, Q2। अगर ये Q2 ना हो और वर्क डन की वैल्यू निकालने हम कैलकुलेट करें, सेम आएगी, वही पोटेंशियल एनर्जी सेम है, वर्क डन की वैल्यू आएगी Q2 चार्ज को लाने के लिए। आप कहते हो सर इसका चार्ज Q2 है, तो अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना चाहूं इन्फिनिटी से, मैं Q2 को लेके नहीं आना चाहता, मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आना चाहता हूं सिर्फ, तो क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन है? तो मैंने कहा देख Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज को उठाने का वर्क डन W है, प्लस 1 का क्या रहेगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है। तो अगर आप Q2 चार्ज को ले आए इन्फिनिटी से पॉइंट पे, तो वो वर्क डन है, एनर्जी है। लेकिन अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना चाहते हो, तो वर्क डन को उस चार्ज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो प्लस 1 का वर्क डन आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू बोलते हैं। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, माइनर डिफरेंस है, Q2 डिवाइड बाय Q2, 10th में पढ़ा भी हुआ है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के रट्टे मारे हुए हैं, वर्क डन बाय चार्ज किया हुआ है ना, ये वही वर्क डन बाय चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी में किया था ये। अब कोई कहता है, ध्यान से सुनना, कोई कहता है यार इन्फिनिटी में लाने की जरूरत क्या है, देखो मैं वो चार्ज हूं Q1, आपने जबरदस्ती इसको यहां बिठा दिया Q2, आपने कहा सर इसको ना यहां से उठा के यहां रखो या यहां से उठा के यहां रखो, इन्फिनिटी से नहीं, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट में, तो फिर वो वर्क डन जो मैं करूंगा, जो मैं वर्क डन करूंगा, ये Q1 है, और Q2 को यहीं से उठा के इसके अंदर ही रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वर्क डन अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन जो वर्क डन करूंगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस भी Q2 पे नहीं होता, वर्क डन बाय Q2 होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे, लेकिन इन्फिनिटी से नहीं, फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट का, इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, इन्फिनिटी पे जाओ, यहां पे रखो चार्ज को, अमाउंट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कुछ नहीं है, इन्फिनिटी पे जाओ, प्लस 1 चार्ज को लेके आना है, प्लस 1 चार्ज डायरेक्टली मत लेके आओ, आप पहले Q2 ले आओ, फिर Q2 से डिवाइड कर दो, अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा पर यूनिट चार्ज, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। और अगर एक पॉइंट फाइनाइट से फाइनाइट पॉइंट तक चार्ज को लेके आ रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेन, तो इसके डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेन बात है और कोई बात है ही नहीं इसमें करने वाली। तो समझ में आ रहा है यहां तक क्या डिफरेंस है तीनों में, बहुत माइनर माइनर डिफरेंस है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितने चार्ज को लेके आना है, Q2, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कितने चार्ज को लेके आना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन इज वर्क डन बाय चार्ज। तो इसके यूनिट पता है क्या होते हैं, जूल पर कूलम। जूल साइंटिस्ट था, कूलम भी साइंटिस्ट था, काम किसने किया, वोल्ट पे, तो हटा दिया, कहता नाम वोल्ट रखो, रोज याद करोगे एक हफ्ता, वोल्ट वोल्ट रोज करोगे बैठ के। अब समझ में आ रहा है यहां तक, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 13 वोल्ट, ये वोल्ट कुछ नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो समझ में आ रहा है यहां तक। तो अब अगर आप अपनी शीट को ओपन करें, सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा, ये देखो सब हो गया तैयार,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल द चार्ज ऑफ सिस्टम इनिशियली एट इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन. तो मान लो ये Q1 चार्ज है, इन्फिनिटी पे Q2 चार्ज है, आप इस Q2 को r डिस्टेंस पे रखना चाहते हो, आप Q2 को पास लेके आ रहे हो, Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है, किसी भी इंस्टेंट पर इसकी दूरी x है, तो x डिस्टेंस पे Q1 Q2 पे फोर्स क्या लगेगी? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर. एक्स वेरी कर रहा है, फोर्स भी वेरी कर रही है, अमाउंट ऑफ वर्कडन निकालना है. तो इमेजिन करो आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की dx इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू क्या होगी इसमें? एफ डी एक्स कॉस 180. कॉस 180 क्या है? माइनस. फोर्स की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर. टोटल वर्क डन निकालने के लिए लिमिट इन्फिनिटी से आर, क्योंकि आप कहाँ से चार्ज को लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी. और कहाँ पे रख रहे हो? आर पे. तो लिमिट लग गई. जब आप इन्फिनिटी पे थे तो वर्क डन क्या था? जीरो. और r डिस्टेंस पे लाने में वर्क डन w. जब इसे इंटीग्रेट किया x की पावर -1/-1 लिमिट पुट की, आंसर ये आया. तो लिखो फॉर्मूला, ये प्रूफ नहीं आता, सीधा फॉर्मूला. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, तो लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r का ये फॉर्मूला लिखो प्लीज. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, नोट करें प्लीज. एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी नोट करें. एनसीईआरटी का टॉपिक स्टार्ट है, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बेसिक है ना, तो स्टार्ट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये पहला स्टेप समझ में आता है, राइट? पहला फॉर्मूला इसी डेरिवेशन में एग्जैक्टली सेम. किसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल? डिफरेंस की. पोटेंशियल डिफरेंस में हम Q1 चार्ज है, Q2 को इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे, कहां से लाएंगे? RA से लाएंगे. कहां पे लाएंगे? RB पे लाएंगे. सारी डेरिवेशन सेम है, बस लिमिट का फर्क है, इन्फिनिटी से R की जगह RA से RB. तो यहां इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन का. पर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में Q2 अमाउंट ऑफ वर्क डन ही लेना होता, किसका वर्क डन लेना है? प्लस वन का. तो एक काम करो, Q2 चार्ज को लाए थे, Q2 को W से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो बाकी जो बचा ये है पोटेंशियल का डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनी? वर्क डन अपॉन चार्ज. तो फर्क समझ में आ रहा है कि क्या फर्क है इनमें? ये भी नहीं आता पेपर में, पोटेंशियल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे करना है. जैसे पोटेंशियल में फिर से कहां पर जाना पड़ेगा? इन्फिनिटी. Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो एक पेज उल्टा लगा हुआ है, यहां से आएगा. तो सेम डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी की इन्फिनिटी से आर. यहां तक बिल्कुल सेम है, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन तक सेम है. पर क्योंकि पोटेंशियल में वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ Q2, तो Q2 नीचे आ गया आंसर. तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया. अपने बुकलेट में फॉर्मूला में ये लिखो, Q1 चार्ज है, r डिस्टेंस दूर आपको पोटेंशियल अगर निकालना है तो स्ट्रेट में ये फॉर्मूला लिखो, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय r. ये नोट करो प्लीज. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय r. फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं? और मजे की बात, जो थ्योरी की ना इंटीग्रेशन वाली, वो कहीं नहीं काम नहीं आती, ये काम आता है. देखो ना, Q2 गायब ही हो गया. Q2 को गायब हो गया क्योंकि हमने चार्ज कितने चार्ज को लेके आना है? प्लस वन को. तो सीधा फॉर्मूला, अपने को Q2 चाहिए ही नहीं. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कैलकुलेट करना है वहां चार्ज प्लस वन रख लो, पोटेंशियल जहां कैलकुलेट करना है वहां चार्ज प्लस वन रख लो, सेम ही कॉन्सेप्ट है. और मजे की बात है, पोटेंशियल में कोई वेक्टर है ही नहीं, सीधा ये पोटेंशियल लगाया, बात खत्म. और लास्ट है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो डेरिवेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आएगा. देखो कैसे, ये Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज ने B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लगाया? 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय RB. और A पे क्या लगाया? 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय RA. तो बताओ B का पोटेंशियल बड़ा है कि A का? B का, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VV-VA. खत्म. क्या वो इंफिनिटी इंटीग्रेशन चाहिए ही नहीं है,
सीधा दो पॉइंट के पोटेंशियल निकालो, दोनों को माइनस करो, आंसर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है?